इस साल दिवाली की टॉपिक्स क्या हो सकती हैं एग्री कमोडिटीज़ में, इसकी चर्चा करेंगे। हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों में ग्वार कॉम्प्लेक्स यानी ग्वार सीड और ग्वार गम में काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार हुआ है, और हमने लगभग प्राइजेस को मैं कहूँगा 70-80% की तेज़ी दिखाते हुए देखा है, जहाँ पर एवरेज दाम ग्वार सीड में करीबन अगस्त में 4,400 से 4,300 के करीब थे, वहीं आज हमने 7,200 तक के भी हाइज देखे हैं। तो फिलहाल ऐसा लगता है गोइंग फॉरवर्ड कि ग्वार सीड जो है वो 6,300 से 6,100 के बीच सपोर्टेड है, और जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं तब तक दोबारा हमें 7,200 के करीब के जो हाइज देखे गए थे वो देखने मिल सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि 1 से 1.5 महीने के पर्सपेक्टिव से 7,600 तक के दाम हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं ग्वारगम में भी हमने 13,500 तक के हाइस देख लिए हैं, इनके इनफैक्ट उसके ऊपर भी जाते हुए देखा है, और ग्वारगम भी जुलाई अगस्त के पीरियड में जहां 6,700 के एवरेज लेवल थे वहां हमने लगभग भाव को डबल होते हुए देखा है। ऐसा लगता है कि कुछ और समय ये तेज़ी जारी रहेगी। इमीडिएट तौर पर 11,000 से 11,200 के रीजन में अच्छे सपोर्ट हैं, और निचले स्तरों पे बाइंग अभी भी अट्रैक्ट होगी, और ऊपरी स्तरों के आसपास यानी 13,600 से पॉसिबली 14,300 के स्तर हमें नेक्स्ट 3 से 4 हफ्ते में देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वहीं जो नेक्स्ट बेस्ट कॉम्प्लेक्स है वो जो मसाला पैक है उसमें एक अच्छा पोटेंशियल आता हुआ दिखता है। धनिया में हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीनों में 6,200 से लगभग 8,700 तक के स्तर भी देखने मिले, और रिसेंटली एक कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड हम जिसे कहते हैं दायरे में कारोबार हुआ है 7,300 से लेकर लगभग 8,500 के बीच, लेकिन ऐसा लगता है आने वाले 1 से 1.5 महीने में हमें धनिया में भी अच्छे लेवल ऊपरी स्तर देखने मिल सकते हैं। इमीडिएट तौर पर 7,800 से 7,700 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जब तक प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन हो रही हैं तब तक तेज़ी की तरफ रुख रहेगा, और अपसाइड में 8,450 का एक इमीडिएट लक्ष्य लिया जा सकता है, और पोजिशनल बेसिस पे 8,800 जो सेम लेवल हमें लगभग अगस्त के आसपास दिखाई दिए थे अब वो रिपीट होते हुए दिखते हैं। वहीं हल्दी में भी ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो सकती है। हमें काफ़ी समय से हमने हल्दी को एक लोअर रेंज में ट्रेड होते हुए देखा है, और फिलहाल 7,000 के स्तरों के करीब संभलते हुए देखा है। ऐसा लगता है हल्दी में अपसाइड पोटेंशियल बन सकता है, आने वाले दिनों में हमें लगभग 8,100 और उसके ऊपर लगभग 8,300 तक के स्तर देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में CPO में पोटेंशियल दिखता है, हालांकि जो इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई थी 16% से 19% के बाद, उसके बाद हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी थी। CPO में भी करीबन 1200 से 1090 तक के फॉल देखे गए थे, लेकिन उसके बाद पिछले लगभग 1 महीने से प्राइस जो है वो एक स्थिर कारोबार करने में सक्षम है, और जो लेवल है 1100 का वो लार्जली होल्ड किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि अपसाइड में हमें आने वाले 1 से 1.5 महीने में 1180 और उसके बाद 1210 के स्तर दोबारा देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल CPO में भी तेज़ी के साथ कारोबार होने की उम्मीद बनी हुई है। तो ये था एक जायज़ा कि दिवाली में टॉपिक्स क्या रह सकती है एग्री कमोडिटीज़ में। धन्यवाद।